समर में आप किस तरह से अपनी स्किन को ग्लोइंग बना के रख सकते हो ये आप आगे वीडियो में देखोगे, और कुछ टिप्स और कुछ DIY रेमेडीज आपके साथ शेयर करूंगी जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है, गर्मियाँ स्टार्ट होते ही स्किन में बहुत सी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। जैसे एक तो हमें स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग होने से क्या होता है, जो पसीना होता है वो स्किन के अंदर चला जाता है, जिससे जो हमारे पोर्स होते हैं वो क्लॉक हो जाते हैं, जिससे बहुत सा बैक्टीरिया जैसे हमारी स्किन पे पिंपल बड़े बड़े निकलने शुरू हो जाते हैं, या एक्ने निकलने, या रैशेज हो जाते हैं, और सन टैनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। जब सन टैनिंग होगी तो क्या होता है, उसके साथ हमें जो होते हैं पिगमेंटेशन हो जाती है, हाई पिगमेंटेशन हो जाती है, या मलाजमा हो जाता है, बहुत से छोटे छोटे दाने निकलने शुरू हो जाते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है। साथ में स्किन जो होती है वो रफ ड्राई, या हमारी स्किन में किसी तरह का कोई ग्लो नहीं रहता है। तो आप समर में अपनी स्किन की केयर बहुत अच्छे से कर सकते हो, और आपकी स्किन जो है वो बिना मेकअप के भी बहुत अच्छी दिख सकती है, ये आप आगे वीडियो में देखोगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। उससे पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। समर में हम स्किन केयर के लिए सबसे पहले करेंगे हम मिनी फेशियल, और मिनी फेशियल के लिए यहाँ पे मैं ले लूँगी रॉ मिल्क, यानी कच्चा दूध लूँगी। छोटे छोटे स्टेप में आपको आगे बताऊँगी कि आपने किस तरह से अपनी स्किन की केयर करनी है। तो यहाँ पे मैंने 2 स्पून लिए हैं, और आपने इसको फ्रिज में रखना है 5 से 10 मिनट, उसके बाद आपने इसे यूज़ करना है। और इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इसकी हम क्लिनजिंग करेंगे, और इससे आपको ये इससे डेड स्किन रिमूव होगी। इसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है जो स्किन को ग्लोइंग बनाता है, कोलेजन को बढ़ाता है, जिससे स्किन यूथफुल दिखती है। और इस तरह से आपने इसे पहले पूरे फेस पे लगाना है, ये देख लीजिए, आप मॉर्निंग में इसे रेगुलर लगा सकते हो। आपने क्या करना है, इसे पूरे फेस पे अच्छे से लगा लेना है, और उसके बाद थोड़ी सी आपने इसके साथ मसाज करनी है, थोड़ी सी आपने फेशियल के स्टेप इसके साथ फॉलो करने हैं, जिससे आपकी स्किन पे ये स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए, और जिससे आपकी डेड स्किन ऊपर से रिमूव हो और आपकी स्किन पे एक ग्लो बना रहे। इस तरह से आपने पूरे फेस की मसाज करनी है इसके साथ, जिससे आपकी स्किन टाइट भी बनी रहेगी, और साथ में आपने अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना है। जितना आप पानी पियोगे उतना आपकी स्किन जो है अंदर से ग्लो करेगी, हाइड्रेट आपकी स्किन रहेगी। तो इस तरह से आपने पूरे फेस की मसाज करनी है, और इससे आपकी फेस लिफ्टिंग भी होगी, जिससे क्या होगा आपकी स्किन पे वो टाइटनेस बनी रहेगी। तो आप इस तरह से रॉ मिल्क को रेगुलर यूज़ कर सकते हो, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, बल्कि बहुत से बेनिफिट आपकी स्किन को इसके साथ मिलेंगे। कभी भी आपको पार्लर में जाकर फेशियल करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी स्किन हमेशा ग्लोइंग रहेगी, यूथफुल रहेगी और स्पॉटलेस रहेगी। तो इस तरह से आपने इसे अपनी पूरी स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व करवाना है, और 15 से 20 मिनट आप इसे अपने फेस पे रख लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने फेस को वॉश नहीं करना है, और नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे स्क्रबिंग। और स्क्रबिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने टोमेटो लिया है, इसको हाफ कट कर लिया था, और इसको मैं शुगर के अंदर डीप करके उसके बाद इसके साथ में स्क्रबिंग करूँगी। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे शुगर ले ली थी, उसके साथ स्क्रबिंग करूँगी। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, इससे आपके ब्लैक हेड, वाइट हेड रिमूव होंगे, और जो पोर्स हैं वो डीप क्लीन होंगे। और टमाटर क्या करेगा, इससे स्किन जो है वो एक्सफोलिएट होगी, जिससे डेड स्किन रिमूव होगी, और साथ में आपकी स्किन इसके साथ हेल्दी बनेगी, और इसमें एंटी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती है, जिससे स्किन पे एक बहुत अच्छा सा ग्लो आता है, डार्क स्पॉट को कम करता है, स्किन को बहुत ज़्यादा फेयर बनाता है। अगर टैनिंग फेस पे हो गई है तो उसे रिमूव करेगा, और पिगमेंटेशन, हाई पिगमेंटेशन, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है धीरे धीरे करके उसे भी बिल्कुल ठीक कर देगा, और स्पॉटलेस आपकी फेस को ये बना देगा। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, और आप मेरी स्किन से आइडिया लगा सकते हो कि इसी तरह के अमेजिंग वाले रिजल्ट आपके फेस पे भी आपको मिलेंगे। और स्क्रबिंग को आप 15 डेज में एक बार कर सकते हो, रेगुलर नहीं करना है स्क्रबिंग कभी भी, आपने 15 डेज में एक बार कर लीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे इसके साथ। और इसी तरह से आपने जो है वो स्क्रबिंग करनी है टोमेटो के साथ, और उससे आपके ब्लैक हेड, वाइट हेड भी अच्छे से रिमूव हो जाएंगे, और कभी भी जब आपके पोर्स क्लीन रहेंगे ना, तो आपको ब्लैक हेड, वाइट हेड की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसमें विटामिन सी होता है जो स्किन को टाइट बना के रखेगा, और फेस पे फाइन लाइन को नहीं आने देगा। तो उसके बाद भी आपने फेस को वॉश नहीं करना है, डायरेक्ट इसके बाद हम फेस पैक अप्लाई करेंगे। तो यहाँ फेस पैक के लिए
यहाँ पे मैंने मुल्तानी मिट्टी ली है और इसके अंदर मैं कच्चे दूध को ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लूंगी। और मुल्तानी मिट्टी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ठंडक देती है, तो आप जो है वो इसे अच्छे से लगा सकते हो अपने फेस पे। अगर टैनिंग की प्रॉब्लम है, गर्मियों में बहुत अच्छे अमेजिंग रिजल्ट आपको इसके साथ मिलेंगे। और मैं यहाँ पे कैमरा ऑन करना भूल गई थी जब मैं ये लगा रही थी, तो बस अब मैं थोड़ा सा अप्लाई करके ही आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से आपने इसे पूरे फेस पे लगाना है। और मुल्तानी मिट्टी में मिनरल्स होते हैं जो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करके डीप क्लीन करेंगे, जिससे डेड स्किन रिमूव होगी और बहुत से बेनिफिट आपको मिलेंगे। जिसकी ऑयली स्किन है उसके ऑयल को कम करेगा और जिसकी ड्राई स्किन रहती है ड्राइनेस को ख़त्म करेगा, स्किन को सॉफ्ट बनाएगा, सफल बनाएगा। तो इस तरह से जो है वो आपने इसे पूरे फेस पे लगा लेना है और आप इसे अपनी नेक पे भी लगा सकते हो, जहाँ भी आपको टैनिंग की प्रॉब्लम हुई है आप टैनिंग के लिए भी इसे लगा सकते हो। और अब आपके सामने रिजल्ट है, तो इसी तरह से आप जो है वो इस फेशियल को सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं इसको करने के लिए, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। बहुत अमेजिंग रिजल्ट आपको इसके साथ मिलेंगे और समर में स्पेशल स्किन केयर के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। और एक मैं आपको बताऊंगी कि आप साथ में क्या कर सकते हो समर में अपनी स्किन को रेड और ग्लोइंग बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं टमाटो की प्यूरी ले लूँगी और इसकी आइस क्यूब बनाऊँगी, और इस आइस क्यूब को ना आप रेगुलर यूज़ करोगे तो आपको खुद इसके रिज़ल्ट पता चलेंगे कि एक तो ये आपकी स्किन, अगर आपके फेस पे फाइन लाइन आ गई है, आपकी स्किन को टाइट करेगा, आपकी स्किन पे अगर पिगमेंटेशन, हाई पिगमेंटेशन, उसे भी ठीक करेगा धीरे धीरे करके, और साथ में आपके फेस पे एक बहुत अच्छा सा ग्लो लेके आएगा। तो यहाँ पे हमारी आइस क्यूब बनके रेडी हो गई थी, तो मैं आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ कि अगर आप बाहर से घर आते हो उसके बाद अपना फेस वॉश कर लीजिए, उसके बाद आप इसे एक आइस क्यूब को रेगुलर यूज़ कीजिए। अगर आप टोमेटो की आइस क्यूब रेगुलर लगाते हो तो आपके फेस पे एक नेचुरल ग्लो हमेशा फेस पे बना रहेगा। और मेकअप करने से पहले अगर आप आइस क्यूब को लगाते हो तो आपका मेकअप जो है वो फ्लॉलेस लगेगा, बहुत अच्छा आपका मेकअप लगेगा। और साथ में अगर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो ये उसे भी बिल्कुल ठीक करेगा। और अगर फेस पे बहुत ज़्यादा ब्लेमिशेस है, यानी दाग धब्बे बहुत ज़्यादा है, तो उसे भी ठीक करेगा। तो आप इस तरह से समर में आइस क्यूब को यूज़ कीजिए, बहुत सा बेनिफिट आपको मिलेगा। और ये हमारा समर स्पेशल स्किन केयर था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए, और साथ में आपको किसी भी तरह का कोई फाउंडेशन या सीसी क्रीम, बीबी क्रीम, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना आपकी स्किन ग्लो करेगी। और आप मेरी स्किन से आइडिया लगा सकते हो, इसी तरह के अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करना। आई होप आज की वीडियो आपके लिए रही होगी मेरी हेल्पफुल। अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेमेडी के साथ।